आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिजीजेस, मतलब कि जो लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसकी डिजीजेस के बारे में। सो डिजीज़ का नाम है कॉन्स्टिपेशन। हम कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज़। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है हम ये देखेंगे। जो मल होता है, मल का जो कड़ा होकर बाहर निकलना या कठिनाई से बाहर निकलना या नियमित रूप से बाहर निकलना, इसे कब्ज बोला जाता है हिंदी में। सो हम देखते हैं कि कब्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होता है कि फ्लूड इनटेक, है ना, अपर्याप्त मात्रा में अगर आप फ्लूड इनटेक करते हैं, मतलब कि आप सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं या फिर फ्लूड डाइट आप नहीं लेते हैं, तो आपको कब्ज हो सकता है। देन फिर होता है अपर्याप्त या अनियमित रूप से आप जो आहार लेते हैं, जो पोषक तत्व या जो भी आप खाना खाते हैं, उससे हो सकता है। देन फिर मानसिक रूप से स्ट्रेस होना या चिंतित होना, इसके कारण आपको हो सकता है कब्ज। देन फिर आप बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, आप अगर सेलेक्टिव ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके कारण आपको कब्ज हो सकता है। मल का स्थिरीकरण होना, या फिर आपको कभी बवासीर हुआ था, बवासीर का प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा कुछ कोलोन से रिलेटेड कोई शल्य क्रिया हुई होगी, ऑपरेशन हुआ होगा, इसके कारण आपको कब्ज हो सकता है। और आपको सिर्फ या खाने पीने से ज़्यादा हो सकता है ये कब्ज की शिकायत, ना। बहुत सारा इंडिया में, बहुत सारे घर में चार लोग हैं तो तीन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। दर्द पर दीर्घकालिक विश्राम अवस्था में, आपने देखा होगा पोस्ट ऑप पेशेंट, जब एक पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो बेड पे रहता है, ज़्यादा विश्राम अवस्था में रहता है, तो उसके कारण उसको कब्ज हो सकता है, ठीक है। देन फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी बिल्कुल आपकी विराम रहती है, इसके कारण आपको कब्ज हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एकांतता का अभाव, या ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कब्ज हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कारण कौन सी जटिलताएँ या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे हेमोरॉइड, जिसको बोलते हैं बवासीर। देन फिर होता है फीसर, जिसको हिंदी में बोला जाता है विदर। अल्सर्स के कारण भी हो सकता है आपको कब्ज, या मतलब या फिर कब्ज के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम देखेंगे कि हमको जब कब्ज होता है या कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, ये होता है, तो इससे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो साइन एंड सिम्टम्स को हम देखेंगे। डिफ़िकल्टी इन डेफिकेशन, मतलब कि मल त्याग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होना, डिफ़िकल्टी होना, थकान होना, जीभ में सफ़ेद दिखाई देना, भूख की कमी होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना। देन फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, भूख की कमी होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना। देन फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, मुँह में कड़वापन लगना, ये सब कारण क्यों होता है, क्योंकि आपने जो खाना खाया था वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, इसीलिए क्या होने लगे। जैसे आप खुद देखना, जिस दिन आपका भोजन ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो आपको चिड़चिड़ापन लगने लगता है, आप अनइजी फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। देन फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसका प्रिवेंशन होता है। मेन प्रिवेंशन तो यही है कि आपको लिक्विड डाइट लेना है, एंड अदर प्रिवेंशन हम देखते हैं क्या हो सकता है इसे। कब्ज के कारण एवं उनके निवारण के बारे में जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है, मतलब जो हेल्थ एजुकेशन होता है, वो हेल्थ एजुकेशन हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। व्यक्ति को दिन में 20 किलो का अगर कोई इंसान है तो उसको 1 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब कि हम देखेंगे कि दिन में हमको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। देन भी व्यायाम के लिए हमको उनको प्रोत्साहित करना है जिनको इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और उनको प्राइवेसी प्रदान करना है। देन भी मल उत्सर्जन के समय उनको उचित बैठने की जो स्थिति होती है उसको बताना है, मानसिक तनाव से बचने के लिए बोलना है। देन भी पर्याप्त मात्रा में आहार लेना है, फल सब्जियाँ, जिसमें सैलेड आप ज़्यादा इंटेक करेंगे, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी की का क्लीनर होता है। जैसे कि हम घर की सफाई झाड़ू से करते हैं ना, वैसे सेम एक झाड़ू जैसा होता है फाइबर हमारे लिए, वो हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, ठीक है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने से क्या होता है, ग्लूटीन होता है, वो चिपक जाता है इंटेस्टाइन में, तो इन सब चीज़ों को क्लीन करने का काम करता है। फिर शौच के जाने के बाद नियमित शौच जाने का एक जो हम जो मोशन पास करने का हमारा जो टाइम होता है, इसको हमको फिक्स कर लेना चाहिए, नियमित टाइम से टाइम जाना चाहिए, ठीक है। एनिमा का उपयोग से दूर रहना है हमको, रात को दूध का सेवन, गर्म दूध या गर्म पानी पी के आप सो सकते हैं। सो गाइस, ये रहा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का शिकायत बहुत ज़्यादा है इंडिया में, सो ये कॉन्स्टिपेशन को हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरी डिसीज देखते हैं,
दूसरी डिसीज है अतिसार। अतिसार मतलब कि होता है डायरिया, जिसको इंग्लिश में डायरिया बोला जाता है, अधिकतर लोग डायरिया के नाम से जानते हैं। सो मल त्याग की असामान्य रूप से बारंबारता मतलब कि फ्रिक्वेंसी, मल त्याग का पतला होना जिसको डायरिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये कारण को हम देखते हैं, भावनात्मक तनाव होना, आंतों में डिसफंक्शन होना या फिर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के कारण, फिर दवाइयाँ जैसे कि प्रतिजैविक या फिर लौहयुक्त जो औषधियाँ होती है वो लेना, अविवेकपूर्ण आहार लेना मतलब कि जो नॉर्मल खाना नहीं खाना, डाइट पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाना, बहुत जैसे कि सेमी सॉलिड भी नहीं सॉलिड डाइट ज़्यादा लेना, देन फिर मिसयूज ऑफ लैक्सेटिव ड्रग्स, जो लैक्सेटिव ड्रग्स होते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स जो मोशन पास करने के लिए किया जाता है, तो अगर वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका मिसयूज कहलाएगा फिर वो, तो वो मिसयूज करने से भी हो सकता है। देन फिर कोलन की बीमारी या ऑपरेशन होना उसके कारण हो सकता है, गाइज ये रहा कॉजेज। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसके कारण हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो वो सिम्टम्स को हम देखेंगे। पेट में मरोड़ आना जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, नौजिया होना, नौजिया मतलब कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, फिर वॉमिटिंग हो सकती है, फटिग हो सकता है, मैलस मतलब कि थकान हो सकती है, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, मल क्षेत्र में जलन होना हो सकता है, दुर्बलता आ सकती है, ये कुछ लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम नर्सिंग फील्ड में हैं तो नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो नर्सिंग केयर हम उस टाइम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रोगी को पर्याप्त विश्राम देंगे, अगर वो डायरिया से पीड़ित है तो हम उसको क्या करेंगे, विश्राम के लिए बोलेंगे, फिर रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, क्योंकि हर एक नर्सिंग स्टाफ को यही ध्यान देना चाहिए कि हमको पेशेंट है तो हमको पेशेंट से बहुत अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, काम बिहेवियर प्रोवाइड कराना चाहिए, बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। देन फिर मिर्च और मसाले युक्त खाने से दूर रहने का बोलना है, ज़्यादा तेल नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, फिर अपनी स्किन की देखभाल करने को बोलना है, फिर दवाइयाँ जैसे कि जो डायरियल रोधी मतलब कि जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, सेडेटिव ड्रग्स हैं, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स हैं, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक्स हैं, वो यूज़ करने का बोलना है उस टाइम। देन फिर रोगी को पर्याप्त मात्रा में द्रव्य मतलब लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए उसको फ्लूड इंटेक करने का बोलना है, पर्याप्त मात्रा में आहार और पोषण लेने का बोलना है, फिर मलाशय के आसपास भी तो स्किन होती है उसको क्या करना है, साफ रखने की बात करना है, उनसे बताना है। देन फिर रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करना है, भोजन देना है, भोजन उनको एक साथ नहीं देना, अगर हम एक साथ देंगे तो क्या करेगा, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जब हम उसको थोड़ा थोड़ा देंगे तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि पहले से इम्बैलेंस हो गया, डाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, जब हम थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे उसको खाना, या लिक्विड डाइट दे सकते हैं, सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं, जिससे भी क्या रहेगा कि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा और उसको इजीली राइज करने से फिर उसके बाद क्या होगा, उसको कोई ऐसा प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा और वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, ठीक है। सो गाइज उनको ये सारी नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड कराना है, फ्लूड डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। सो गाइज दो डिसीज थी, दो डिसीज के बारे में आई हो आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने सारी बातें हिंदी में बताने की कोशिश की है। सो गाइज आप सबसे पहली बात तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ हर दिन एक से एक टॉपिक लेकर आएंगे, आप इनको ध्यान देंगे तो आपको लाइफ चेंज करने में हेल्प आउट होगा, और आप ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप ये फील्ड की अगर कुछ ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे तो आपके बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे चैनल को डेली डेली आपको अपडेशन मिलते रहेगी और आपको डेली डेली छोटे से छोटे टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।